आप सभी को नमस्कार। और आज हम फिर से आप लोगों को दिखाने वाले हैं इनोवा हाई क्रॉस का जो सबसे टॉप मॉडल आता है ZX मॉडल। तो ZX मॉडल में भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम एक्सटीरियर में कर सकते हैं, इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत जो है वो करने का रहता है। तो हम इस गाड़ी में जो आज कर रहे हैं आपको चल के दिखाने वाले हैं कि इस इनोवा हाई क्रॉस ZX मॉडल में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ गाड़ी की तरफ और जो जो हम करेंगे एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट से इसमें क्या होता है, ZX मॉडल में ये जो लाइट है रोशनी नहीं होती है, हेडलाइट इनबिल्ट होने के कारण बहुत डिम ब्राइटनेस रहता है। और जो प्रोजेक्टर लाइट मिलती है कंपनी की तरफ से, इसमें भी ज़्यादा रोशनी नहीं होता है। तो हम लोग प्रोजेक्टर लाइट जो है ये वाला फिटमेंट कर देते हैं। देख सकते हैं DSC ब्रांड का है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी वाला है और ये जो है 90 वाट का रहने वाला है। और इसका ये वारंटी कार्ड भी जो है आपको प्रॉपर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, ये 2 इंच में प्रॉपर टोयोटा के फिटिंग के साथ ही मिलता है। ये देख सकते हैं पर पेयर जो है 45 वाट का है और 100% ये वाटर प्रूफ है और 1 साल की गारंटी रहता है। और इसका थ्रो बिल्कुल सामने फेंकता है, इसका जो रोशनी की कमी है वो पूरा दूर कर देता है। यहाँ पे हम लगा देंगे ग्रिल क्रोम लगाने से लुक जो है काफ़ी इनहेंस हो जाता है। इस पे लग जाएगा फ्रंट रन और बैक रन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं माला लगा हुआ है, यानी कि गाड़ी शोरूम से आई है और फिर इसका पूजन हुआ है और पूजन होने के बाद मॉडिफिकेशन के लिए सोनमोन कार एसेसरीज ये गाड़ी आई है। तो फिर हम भी इसमें कर रहे हैं वही काम जो मॉडिफिकेशन होना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइड बीडिंग जो है इनोवा हाई क्रॉस का ये लगा दिए गए हैं इसमें। और इसमें फिटिंग करने वाले हैं 0-0 फुटरेस्ट। और 0-0 फुटरेस्ट जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये खुल रहा है, ये नट से ये अली खोल रहा है। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। ये झूठ बोल रहा है, 2 मिनट नहीं लगता है। फुटरेस्ट लगाने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नट पूरा खोल के, ये बीडिंग पूरा निकाल के फिर इसमें फुटरेस्ट जो है वो फिटिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक बार दिखाऊँ आपको बैक साइड से, तो बैक साइड से इसमें रिफ्लेक्टर लाइट, बैक रन और बहुत सारी चीज़ें है। टॉप मॉडल है जबकि इसमें भी करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दरवाज़ा जो है ये खुल गया है और हम इसको इसलिए खोले हैं ताकि इसमें जो है एम्बियंट लाइट फिटिंग कर सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्बियंट लाइट का फिटिंग आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इसमें एम्बियंट लाइट भी फिटिंग किए गए हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। इसमें शेडो लाइट, इसका जो स्ट्रिप आता है कुछ ऐसा आता है। और ये जो फिटिंग होता है ये कपलर है, देख सकते हैं ये कपलर कनेक्ट हो जाता है जिससे कि वारंटी वाइड नहीं होती है। और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इस गाड़ी को तैयार किया जाता है, बेसिकली इनोवा को। इसमें शेडो लाइट का भी काम होने वाला है और वेलकम लाइट भी काम होने वाला है, स्टेयरिंग रैप जो है वो भी होने वाला है। इसमें सीट खोल के हम फ्लोरिंग भी करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम आपको दिखाएँ, बने रहिए वीडियो में। ऊपर से रूफ रेल वाइजर, मतलब बहुत सारा काम जो है इस गाड़ी को करने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बताएं वेलकम लाइट वगैरह कुछ भी लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि ये वेलकम लाइट है और इसका भी फिटिंग देख सकते हैं, कपलर है, सारा प्लग एंड प्ले होता है। और ये टेप आती है लेकिन हम लोग फिर भी एक एक्स्ट्रा टेप लगाते हैं ताकि यहाँ जो अगर हम फिटिंग करें तो इसकी पकड़ थोड़ा अच्छे से हो सके, इसलिए हम इसमें टेप जो है एक्स्ट्रा लगा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर लाइट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें जो है हम फिटिंग करने वाले हैं। ये देखिए ये रिफ्लेक्टर लाइट वगैरह जो है ये फिटिंग करने वाले हैं। तो बहुत सारा काम होने वाला है इस टॉप मॉडल में। तो बने रहिए वीडियो में, पूरा काम एक बार हो जाए फिर हम सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। फाइनली ये इनोवा हाई क्रॉस जो ZX था इसको कर दिए हैं कम्प्लीट। तो यहाँ पर ये बोनट लेटर लगा दिए गए हैं, ये देख सकते हैं ये जो है हाई क्रॉस का जो पसंदीदा कलर है वो इसमें काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये ग्रिल क्रोम लगा दिए गए हैं, ये दो लगने के बाद लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। इस पर लगा दिए हैं प्रोजेक्टर लाइट, इसका आप थ्रो चेक कर सकते हैं, बहुत ब्राइटनेस के साथ 90 वाइट वाला इसमें लगाया गया है। यहाँ पे फ्रंट रन भी लगा दिए गए हैं, फ्रंट रन देख सकते हैं नीचे से इसका फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम आपको मिलता है। साइड से बात करूँ तो इसमें ये बम्पर प्रोटेक्टर जो है ये लगा दिए गए हैं क्रोम लाइन के साथ। यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो ये फेंडर गार्निश जो है ये फेंडर गार्निश इसमें फिटिंग कर दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखेंगे तो मड फ्लैप जो है ये लगा दिए गए। मड फ्लैप लगाने से ना गाड़ी का जो बॉडी का पार्ट है और फुटरेस्ट है बच जाता है, जो कीचड़ वगैरह ना मड फ्लैप काफ़ी रोकता है। यहाँ पे लगा दिए गए हैं 0-0 फुटरेस्ट और ये फुटरेस्ट जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस को बिल्कुल भी
कम नहीं करती है, क्योंकि इसका जो बॉडी का जो पार्ट होता है ब्लैक वाला बिडिंग, वो निकल के और उसकी जगह ये ले लेता है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट फिटिंग फुटरेज है। ये 0-0 फुटरेज जो है वहाँ से लेके उस कॉर्नर से लेके लास्ट तक पूरा रहता है। इसमें साइड बिडिंग जो है क्रोम लाइन वाला साइड बिडिंग इसमें लगा दिए गए, जो कि हाईक्रॉस लिखा हुआ आपको प्रॉपर मिल जाता है। इसमें रेन वाइजर जो है डोर वाइजर लगाए गए हैं बिना क्रोम वाला, तो इसका भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे ये रूफ रेल लगा दिए गए हैं, ये रूफ रेल देख सकते हैं इसकी फिटिंग और फिनिशिंग। मतलब ये जैसा कि हम लोग सिलिकॉन लगा के बैक रन फ्रंट रन या फिर ये रूफ रेल व्हील आर्क कुछ भी लगाते हैं सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, जिससे कि पकड़ काफ़ी बढ़िया हो जाए। आइए एक बार मैं आपको बैक साइड दिखाऊं। ये ऑटोमेटिक टेल गेट है, ऑलरेडी आपको ZX-O में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड से, तो यहाँ पे बैक रन लगा दिए हैं और ये रियर बम्पर गार्ड जिस पे हाईक्रॉस लिखा हुआ आपको मिल जाता है, ये लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा रियर बम्पर गार्ड है। रिफ्लेक्टर लाइट इसमें लगा दिए गए हैं, क्योंकि इस मॉडल में भी डमी मिलता है आपको। आइए एक बार मैं आपको इंटीरियर चेक करा दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्बिएंट लाइट जो है, तू माइक पकड़ ले, आप एक मिनट रुक जा बाबू। हाईक्रॉस शेडो लाइट जो है आपको ऐसा मिल जाता है। शेडो लाइट लगाने के बाद गाड़ी का लुक काफ़ी बढ़िया आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊं एम्बिएंट लाइट। तो ये एम्बिएंट लाइट देखेंगे, इसका फिनिशिंग चेक करेंगे, 0-0 फिनिशिंग है। कहीं से भी आपको ऑड फिटिंग या ऊपर नीचे एक इंच भी ऊपर नीचे नहीं है, फिनिशिंग बहुत लाजवाब है। और इस एम्बिएंट लाइट में कई कलर होते हैं, जैसा कि 4 डोर पे लगा है, 2 डैशबोर्ड पे लगा है। हम बटन दे देते हैं जिसे कि आप कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में ऐप के थ्रू भी इसका कलर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन में भी ऐप रहता है, ऐप के थ्रू भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे वेलकम लाइट का, तो ये वेलकम लाइट भी जो कि इनोवा हाईक्रॉस लिखा हुआ मिल जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें 9D मैट जो कि डबल लेयर का ब्राउन कलर में, ये देख सकते हैं फिटिंग इसका, और इसका ग्लास का आप थिकनेस जो है वो चेक कर सकते हैं। बहुत प्रीमियम इस मैट को रखा गया है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का मैट ये रहने वाला है। ZX मॉडल है और ZX मॉडल में कुछ ज़्यादा काम करने को मिलता नहीं है, तो जो भी काम था इस इनोवा हाईक्रॉस में इसको फुलफिल कर दिया गया है, पूरा कंप्लीट जो है कर दिया गया है। तो आप भी इसी तरीके का इनोवा हाईक्रॉस ZX-O VX-O GX-O कोई भी मॉडल मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं सोनमन कार एसेसरीज, शॉप नंबर 4849 गुरुद्वारा रोड करोल बाग, डिस्प्ले पे शो होता हुआ नंबर दिख रहा है। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नेक्स्ट इनोवा हाईक्रॉस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।